हेलो फ्रेंड्स, एक फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो यहाँ पे LNME ने नोटिस निकाला गया COVID-19 के दौरान में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा था नोटिस में कि क्या लिखा हुआ है। तो मैं आज की इस वीडियो में पूरा एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसमें क्या सब लिखा हुआ है और आपके लिए क्या दिशा निर्देश है इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम पहले यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट रीड कर लेते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा क्षेत्रांगण सभी स्नातकोत्तर विभाग स्वित पोषित संस्थान अंगीभूत संबंध महाविद्यालय शिक्षकों छात्र छात्राएं शिक्षेतर कर्मियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 मई तक सभी शैक्षणिक कार्य भौतिक रूप से बंद रहेंगे। तो फ्रेंड, जितना भी यहाँ पे शैक्षणिक कार्य है उसको यहाँ पे 15 मई तक पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 15 मई तक कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा है ऑनलाइन कक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्य अनुसार चलते रहेंगे। तो आपका जो ऑनलाइन क्लासेस है पहले की तरह ही यहाँ पे चलते रहेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा है इस अवधि में कोई भी शिक्षक बिना पूर्वानुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है कि कोई भी जो शिक्षक है बिना अनुमति के अपना मुख्यालय जो नहीं छोड़ेंगे, अनुमति लेके ही वो अपना मुख्यालय छोड़ सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पॉइंट में लिखा दिनांक 16 अप्रैल द्वारा प्रसारित कार्यालय आदेश के द्वारा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग स्वयं पोषित संस्थान अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय दिनांक 25 अप्रैल तक पूर्ण रूप से पहले ही बंद किए गए हैं। दिनांक 26 अप्रैल से राज्य सरकार के निर्देशानुसार 33% उपस्थिति के साथ विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागों स्वयं पोषित संस्थानों अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के कार्यालय कार्य चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया कि ये दिनांक 26 को यहाँ 26 अप्रैल से यहाँ पे राज्य के अनुसार यहाँ पे ओनली यहाँ पे कॉलेज में आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए 33% ही यहाँ पे जनसंख्या होना चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करिए कि आप सुबह ही जल्दी निकल जाए, तभी आपको यहाँ पे अंदर जाने देगा मेन गेट के अंदर, अदरवाइज आपको बाहर ही रोक लेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिफ्थ नंबर पॉइंट में लिखा है छात्र हित में यह भी निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य छात्रों की समस्याओं से संबंधित आवेदन कॉलेज में ही लेकर विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। छात्रों से भी अपील है कि वे अपने आवेदन महाविद्यालयों में ही समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है, कोई भी छात्र को यहाँ पे यूनिवर्सिटी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपका किसी भी तरह का आवेदन पत्र है तो आप अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए, आपका जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी में जमा कर देगा। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है छात्रों से यह भी अपील है कि दिनांक 15 मई तक विश्वविद्यालय मुख्यालय आने से परहेज करें और COVID-19 की दिशा निर्देश का पूर्णतः पालन करें, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर में कई कर्मी कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि आप 15 मई के बाद यहाँ पे विश्वविद्यालय का चक्कर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कई कर्मी जो है कोविड संक्रमित हो चुके हैं। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है अति आवश्यक परिस्थिति में परीक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था है, जिसका लाभ छात्र उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको अपना प्रमाण पत्र चाहिए तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है साथ ही दिनांक 15 मई तक विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं स्थगित की जाती है। तो 15 मई तक जितना भी आपका एग्ज़ाम चल रहा था सभी को यहाँ पे स्थगित कर दिया जाता है। तो उसके बाद फ्रेंड बोला जा रहा था कि जो आपका एग्ज़ाम है पार्ट 3 को 26 अप्रैल से लिया जाएगा। तो इससे आप ये तो पता लगा सकते हो कि आपका जो 15 मई तक एग्ज़ाम नहीं होगा, हो सकता है कि आपका 5 जून से अब एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया जाए। अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।